मलाड पश्चिम में एक गिरोह ने 45 वर्षीय एक व्यक्ति की पत्थरों और बांस और बल्ले से पीट पीट कर हत्या कर दी। मृतक बम्बूवाड़ी निवासी एजाज अब्दुल बसर शेख है। उनकी हत्या के बाद पुलिस ने इलाके में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों के डर से कोई भी जानकारी देने को तैयार नहीं था। फिर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चीमाजी यादव के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने साबिर बाबू अंसारी 48 वर्षीय, अकबर आमीन हसन अंसारी 42 वर्षीय, रेशमा मंसूर सैयद उर्फ सिटी 30 वर्षीय और यास्मीन तौहीन खान 31 वर्षीय को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो पता चला कि आरोपियों ने बुधवार को मृतक शेख को सड़क पर रोक लिया था और पूछा था कि मुख्य आरोपी मंसूर शहर का रास्ता क्यों रोक रहा है। शेख ने कहा कि उन्होंने किसी का रास्ता नहीं रोका। आरोपी ने शेख के सिर पर पावर ब्लॉक से वार किया, फिर अन्य लोगों ने बांस बल्ले से शेख की पिटाई कर दी। इस दौरान आरोपियों ने शेख के बेटे अमीरुद्दीन शेख को जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपियों द्वारा धमकी देने का फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मालवणी पुलिस स्टेशन के अम्बुजवाड़ी एरिया में कल एजाज खान शेख नाम के व्यक्ति को उसके पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने बेदम मारहान किया, ऐसी कंप्लेंट पुलिस को मिली थी। चौकसी में पता लगा कि लकड़ी, बैट, बांबू वगैरह की मदद से 7 से 8 लोगों ने मिलकर, इसमें कुछ महिला भी शामिल है, उसके बाद इतना बेदम मारहान के घटनास्थल पर उसका मृत्यु हो गया। घटना के गंभीर्य को देखते हुए पुलिस ने इमीडिएटली एक्शन लिया और 5 आरोपियों को, जिसमें मुख्य आरोपी यास्मीन खान, अकबर अंसारी, साबिर अंसारी, रेशमा उर्फ मंसूर सैयद सिटी खुद, ऐसे 5 आरोपियों को अभी तक अरेस्ट किया है और रहे हुए आरोपियों की अभी छानबीन और तलाश पुलिस कर रही है। सर, इस हत्या का मुख्य वजह क्या है? वो दोनों आस पड़ोस में रहने वाले हैं जिनका झगड़ा हुआ है और पुराने उनके जगह पर से और रास्ते पर जाने आने पर से विवाद थे, उसी का कल थोड़ा झगड़ा बढ़ा और जिसके अंदर ये बात बढ़ गई।